एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है तिल कुटने का व्रत और फिर मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग बना लेते हैं। और फिर अभी मैं पूजा करूंगी। मैंने साड़ी पहनी है आज क्योंकि मम्मी जी बोलती हैं कि जब भी कोई व्रत होता है तो मैं अच्छे से सर धस के अच्छे से कपड़े पहन के पूरा साज श्रृंगार करके व्रत की पूजा करनी चाहिए। सो मैंने अभी वही किया है और अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे। और मैं आपको आज अपने डेली रूटीन सब बताऊंगी इस व्लॉग में कि नून से और नाइट तक का मेरा कैसा रूटीन रहता है। और रात को जब चांद निकलेगा तब उसको अर्घ दे के ही हमें खाना खाना होता है। सो दिन में क्या होता है, अभी पूजा में क्या करेंगे हम, तो मैं सब आपको दिखाऊंगी। सो चलिए अभी पूजा की तैयारी करते हैं, उसके बाद कहानी सुनते हैं और फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ा के आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कर दिया है यहाँ पे पूजा की तैयारी करनी शुरू। और मैंने भगवान जी के लिए जो भी पूजा का सामान चाहिए होता है सब ले लिया है। यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, दिया। और उसके बाद में मम्मी जी मुझे फ़ोन पे कहानी सुनाएंगी, क्योंकि मम्मी जी अभी गाँव गए हुए हैं और वो मुझे फ़ोन पे ही सुनाएंगे कहानी। और अभी मैं कहानी सुनूंगी। हाँ, मैं तो एक बैठा था। अच्छा, तो बुड्ढी बुड्ढी सूत करते करते तो हाँ, अपना गुजर बसर कर लिया था माँ बेटा। अच्छा, तिल कुटने के बाद आए उससे पहले दिन हम के साथ चिताई जागी है तो माँ बेटा मतलब अपना गुजर बसर हो ऐसा के बेटा ना बढ़ता हुआ। तो बेटा ने बोली बोले भाई तेरी माँ तो गटका कर करके खाए से हाँ, और तू गाय चराने चले जा। अच्छा, जब बोले ना बोलना कैसे बोल काल देख लिए तो बेच कर वो लिया ही तिल थोड़ी खांड और अपना कर मुँह को तिल गूंद लिया कोट लिया व्रत की तैयारी कर ली कहानी सुन ली। अच्छा, अरे तिल की दो पिंडी बना ली एक गाय की एक आम की और हाँ, अपना कहानी सुनकर उनके नीचे दाम दे अच्छा, बुद्धि को बिट्टो तो पन्ने फिर तू हाँ, तो सीधी कि बात है, मैंने उन साबुनों के बदले तो क्यों आई। फिर हाँ बोल मैं ऐसा आ गया तो बुढ़ी का दांत पे गुलगुला खाया। हाँ फिर बोल बोला कि बोल मैंने बोले माँ मैं मेरी माँ व्रत कर रही थी मेरे नाम का सकट चौथ के नाम से सच्चे बहु बेटो आ रहे सर। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाने। सो मैं अपने स्टेयर से नीचे उतर के आ रही हूँ, सोसाइटी से नीचे। और वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहे थे सूर्य देव का। सो अब यहाँ पे जो रिचुअल होता है पानी चढ़ाने का, वो मैं करूँगी यहाँ पे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड करके भगवान जी का आशीर्वाद लिया जाता है, उनको जल चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे इसको तिल कुट का व्रत कहा जाता है। सो आप लोगों के एरिया में इसको कौन से व्रत के नाम से जानते हैं, सो मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोगों को कैसे पूजा होती है वो भी शेयर करना। हमारे ऐसे होती है, तो मैंने ये सब रिचुअल्स किए हैं। अभी जिया दौड़े जा रही है, इसको घर नहीं जाना है, इसको घूमना है। कहाँ खाती है मक्खन जिया? माँ के घर। और माखन वैसे खाता कौन है, कान्हा जी खाते हैं क्या? मक्खन आप कान्हा जी बने थे? हाँ, कब बने थे आप? इधर बने थे, मैं चुप रहा था। आप बेड के नीचे चुप रहे थे। गाइस, अभी बजने वाले हैं शाम के 4 और जिया सो के उठ गई है और ये रो रही है। एक्चुअली मैंने इसके लिए आज सिंपल पराठा बना दिया और इसको खाना था आलू का पराठा। तब कह रही मुझे नहीं खाना सिंपल पराठा, मुझे आलू पराठा खिलाओ। मैंने कहा बेटा इवनिंग में बनाती हूँ। तो कह रही अब मुझे नूडल्स ला के दो। और इतना मतलब अच्छा 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 डोंट क्राई डोंट क्राई डोंट क्राई। अच्छा मम्मा नूडल्स दिला के लाएंगी। अभी घर पे नूडल्स भी नहीं है। वैसे मैं इसको मैगी वैगी कम ही देती हूँ। सो बहुत टाइम हो गया तो इसको याद आ गया आज की नूडल खाने, तो अभी मैं इसको दिला के लाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं। हाय करो। हाय एवरीवन। कहाँ जा रहे हो? बाहर। क्या लेने जा रहे हो? अरे सो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ तिल, क्योंकि तिल का प्रसाद बनता है और वो गाय को दिया जाएगा। और उसका थोड़ा सा जो प्रसाद है वो मुझे खाना है अभी, क्योंकि सगुन होता है कि जो तिल बनाने हैं मीठे तिल बनेंगे, आप घी गुड़ डाल के शक्कर खांड जो भी यूज करना चाहते हैं वो डाल के प्रसाद बनाते हैं। थोड़ा सा गाय को दिया जाएगा, थोड़ा सा मैं खा लूंगी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, चाय पानी कुछ भी नहीं लिया है। सो अभी 5 बजे के आसपास जो है ये लिया जाता है प्रसाद के रूप में। सो पहले मैं तिल बनाऊंगी, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी एंड उसके बाद में जो है प्रसाद मैं लूंगी। मैंने यहाँ पे ले लिए थोड़े से तिल, इनको मैं थोड़ा सा हल्का भून लूंगी कि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए।
और उसके बाद में मिक्सी में इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा घी मिलाएंगे और थोड़ा सा मीठा जो मैं गुड़ या फिर शक्कर खांड जो भी मिलाऊंगी, और उसके बाद में थोड़ा सा गाय माता को देंगे, इसके पापा के लिए रख देंगे प्रसाद के, चिया तो खाएगी नहीं। सो हमें थोड़ा सा भूनना है इसको, और मेरी चाय भी बन रही है, चाय के साथ मैं इनके प्रसाद को ले लूँगी, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी नाइट और इवनिंग जो रूटीन है वो कैसी रहेगी, क्योंकि आज जो है चांद बहुत लेट निकलेगा और खाना पीना भी लेट ही होगा फिर उसके बाद में। सो दिखाते हैं आपको सब चीज़ें, कुछ ऐसे बने हैं और अभी चाय बनने लग रही है, तिल तो झटपट बन जाते हैं 2 मिनट में ही। सो अभी मैं ये प्रसाद ले लूँगी और उसके बाद में आपसे मिलते हैं सीधे नाइट में। सो गाइज, फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद अराउंड 10 बज रहे हैं रात के, और सर्दियों का मौसम वैसे है, सो चांद निकल आए हैं। अभी मैं उनको अर्घ दे के खाना खाऊंगी, सो तभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। अभी मैं चांद देखने जा रही हूँ, सो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमने क्या किया वहाँ पे। सो पूजा वहाँ पे नॉर्मल नहीं होती, जैसे जो पानी होता है वो आपको डाल देना है, अर्घ दे देना है, और ये होती है पूजा लास्ट में, और उसके बाद में आके घर आके अपने खाना खा लेना है। गाइज ये है आज का डिनर, वर्क करने के बाद बहुत भूख लग रही है मुझे तो, और एक्साइटमेंट है खाना खाने की। सुबह से सिर्फ चाय पी है एक, और ये बनाई है पनीर की सब्जी, और इधर है छोले की सब्जी, और मीठे में है खीर, और ये है पराठे। सो अब हम लोग डिनर करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने पूजा कर ली है, चांद देख लिया है, चंद्रमा जी को पानी दे दिया है, और अभी मैं डिनर करूँगी। सो अभी मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए। आई नो कि बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं मैंने, क्योंकि मैं अभी इसमें एकदम परफेक्ट नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग आगे भी लेके आऊँ, कंटिन्यू करूँ व्लॉगिंग को, सो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ तरीके से रहिए क्योंकि कोविड भी बहुत फैल गया है। सो बाय गाइज, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।